हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और आज मैं आपसे कुछ ऐसे टॉपिक के बारे में बात करूंगा जो जनरली आजकल सभी फेस कर रहे हैं। जैसे आजकल क्या होता है, हम लोग मोबाइल से अपनी स्नैप खींचते हैं, कोई भी फोटो खींचते हैं और उसे जब एडिट के लिए सॉफ्टवेयर में लेकर आते हैं तो एक जनरल एरर आ रहा है। तो उस एरर पे हम कैसे उसे यूज़ कर सकते हैं, आज मैं इसी के बारे में आपसे बात करूंगा। और आप कैसे उसे आराम से टैकल कर सकते हैं। आपको ज़रूरी नहीं है कि पहले उसे आप इमेज को कोरल ड्रॉ में इम्पोर्ट करें, फिर वहाँ से जेपीजी में इम्पोर्ट करेंगे उसे, फिर दूसरे सॉफ्टवेयर में ले जाएंगे, चेंजेस करेंगे। तो आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा जिसके थ्रू आप ये सब कर सकते हैं। पहले मैं आपको बताता हूँ कि वो एरर है क्या। अभी जैसे ये कुछ पिक्चर्स है मेरे पास, और ये सभी पिक्चर्स हमने फ़ोन से क्लिक की हुई है। अब जब हम इन पिक्चर्स को एडिट करने के लिए फोटोशॉप में लेके जाते हैं तो आपके पास ये वाला एक एरर आ जाता है। तो अब इस एरर को कैसे ख़त्म किया जाए। अब ये जितनी भी इमेजेस हैं सभी में ये एरर शो कर रहा है। ये जो एरर है ये कोई फोटोशॉप का एरर नहीं है। तो आप ये क्या है कि नए नए जो इनमें एक्सटेंशंस ऐड होते रहते हैं, जो फ़ोन में हैं ऐड हैं और जो फोटोशॉप में नहीं है, इसलिए ये एरर फेस करना पड़ रहा है हमें। तो अब इस एरर को हटाने के लिए हम क्या करेंगे। देखिए, अब जनरली लोग क्या करते हैं कि सेम इमेज को पहले कोरल ड्रॉ में ले जाते हैं, फिर वहाँ पे इसे ले जाके यहाँ से अब दोबारा एक्सपोर्ट करते हैं और फिर फोटोशॉप में खोलते हैं। लेकिन आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आपको एक सिंपल सी चीज़ करनी होगी। आपकी जो भी इमेज है, जैसे ये इमेज है, आपको वहीं विंडो एक्सप्लोरर में आप ओपन कीजिए और आप इसे यहीं पे एडिट कर लीजिए। थोड़ा सा कंट्रोल ई एडिट की शॉर्ट कमांड होती है, अदरवाइज आपको ये हर विंडो ब्राउजर में मिलेगा, जो हर इमेज एडिटर होता है हर एक में मिलेगा, या फिर आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे ही आप कंट्रोल ई या उस एडिटर पर क्लिक करते हैं तो ये ऐसा सा इंटरफेस खुल जाता है। आप इस पर करेंगे क्रॉप एंड रोटेट। अगर आपको इमेज पूरी भी चाहिए तो आप बिल्कुल उसे स्लाइटली मूव कर सकते हैं, जिससे वो बस अभी मैंने 1 mm ही किया और इसे डन कर दिया, सेव कर दिया इस इमेज को। अब इसे हम दोबारा से खोल के देखेंगे तो ये देखते हैं एरर आ रहा है या नहीं। हमने ये वाला किया, अब हम इसे फोटोशॉप में ले जाते हैं, ओपन करते हैं। ये देखिए ओपन हो गई है और हमने कुछ भी नहीं किया। सेम चीज़ हम दूसरे पे इमेज पे भी अप्लाई करके देखते हैं। अभी ये ओपन करके देखते हैं, इसमें एरर दिखा रहा है। ये दोबारा से जाएंगे, सेम प्रोसीजर है। हल्का सा कंट्रोल ई प्रेस करेंगे या एडिट करेंगे, थोड़ा सा आप कुछ भी इसमें चेंज करेंगे। अगर आपको इमेज पूरी चाहिए तो आप बिल्कुल 1 mm ही से मूव कर सकते हैं। अगर आपको कम चाहिए तो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। फिर यहीं पे आप क्रॉप करके और सेव करेंगे। जैसे ही आप सेव करेंगे तो जो उसका फॉर्मेट है वो कंप्यूटर अपने हिसाब से चेंज कर लेता है, और फिर आप इजीली इसे जब फोटोशॉप में लेकर आते हैं तो वो इमेज जो है ओपन हो जाती है, जिससे आपके ये जो प्रॉब्लम है बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी। और आपको किसी भी और सॉफ्टवेयर में बार बार इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे ही अब अगर हमें दूसरी कोई इमेज करनी है, सेम इमेज है, आप कोई भी एरर ऐसा फेस करते हैं दोबारा, तो सेम तरीका है। कैसी भी इमेज हो, कैसा भी एरर हो, आप वहाँ पे एडिट करेंगे तो वो ओपन हो जाएगी। मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल साबित होगी। और अगर आप मेरे चैनल को नए हैं तो ऐसी ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।